और शास्त्रों से एक बात की माफी मांगता हूं आपसे कि पूरे मुल्क में आंदोलन चल रहा था और मैं उस वक्त इतना मसरूफ था कि लगातार देश भर में मेरा ख्याल है मैं 63 से ज्यादा आंदोलनों में लगातार हर दिन 2-3 आंदोलनों में जा रहा था। तो मुख्यालय पर तो आप आया था शांति बाग में गया के, लेकिन आपके गांव नहीं आ पाया था जहां आंदोलन चल रहा था। वो मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे दूसरे दिन केरल रहना था, केरल के एक आंदोलन में कन्नूर में रहना था, तो मजबूरन मुझे वापस लौटना पड़ा था। तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपके बीच उस दौरान नहीं आ पाया था, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है और जब पहुंचना नसीब में होता है तभी नसीब लेकर के आपके बीच तक आता है। तो अल्लाह ने आप तक पहुंचा दिया, पहली बार आपके बीच में आया हूं, लेकिन इस गांव की, इस इलाके की हमेशा बहुत तारीफें सुनता रहा हूं। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। ये फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, एक्चुअली ये रिकॉर्ड नहीं होगा, फोटो नहीं खींचेगी तो अखबार में नहीं जा सकता, सोशल मीडिया पे नहीं जाएगा। तो अगर कोई सामने आके फोटो खींच भी ले रहा है तो थोड़ी देर सब्र करिए, सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती, एक आध दो मिनट में खींच के हटिए। शहर से एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो, तुम सब की मोहब्बत में मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद है, आप रोशनी कम है तो मुझे ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहे, तो जब आपकी तालियां वालियां बजती रहेंगी तो उससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप कहां तक मौजूद हैं, आप कहां तक आपकी रसाई है। मैं मेरे भाई एक ऐसे मौके पर आया हूं जब बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, पूरी दुनिया। आज शायरी सुना के थोड़ी सी गुफ्तगू तो आप तक करूंगा, लेकिन एक हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाकर कोई ताजमहल बनता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई इस बार एक्सपेरिमेंट करने की लड़ाई नहीं है, यूं ही तफरीह में आप महसूस कर रहे होंगे कुछ ऐसी सफाई कर कुछ ऐसी सफाई नजरा भलाई और किसी की बुराई नजरा भलाई और ना किसी की बुराई नजरा दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा नाम मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको छोटा कर चलना पड़ता है। नीतीश जी आपका ये बात समझ नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ 2015 में जब महागठबंधन ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था, तो हमसे पहचानने में भूल हो गई थी।
आपकी पहचानने में भूल हुई थी, पूरे बिहार के पहचानने में भूल हुई थी कि देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था। इसका मतलब ये नहीं वो शख्स जहरीला न था, हमसे पहचानने में भूल हुई, लेकिन अगर भूल को सुधारने के लिए तो मेरी इस नज़्म को याद रखिएगा। तेरे सारे ज़ुल्म सितम तेरे सारे ज़ुल्म सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम तेरे सारे ज़ुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। 1200 किलोमीटर पैदल चलते हुए एक तस्वीर वो भी देखी जिसने एक ट्रॉली वाली अटैची थी, एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे को उस पे लटका करके लेके ट्रॉली वाली अटैची खींच के आ रही थी। माँ बाप से दूर थे अपने घर बार, माँ बाप से दूर थे जुर्म ये हम बिहारी थे बस दूर थे, जुर्म ये बिहारी थे बस दूर थे, जुर्म के हम बिहारी थे बस दूर थे, पेट खाली था भूख से चूर थे, पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी तो मजबूर थे, दिल में थी बेबसी आँख आँसू से नम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। है वो मन तेरे सारे ज़ुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मैंने आपसे कहा ना जो लॉकडाउन में ज़ुल्म सितम हुए हैं, जब वोट देने जाएंगे आप कुछ दिनों बाद ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे तो वो दिन किस बात का दिन है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मुझे बताइए। आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक और जानी चाहिए नीतीश कुमार जी के कानों तक, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा, चलते चलते जो थे पांव में पड़ गए, चलते चलते जो थे पांव में पड़ गए, सारे छालों का बदला लिया जाएगा। नीतीश बाबू देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। तेरी लाठियों में है अब कितना दम, ये भी देखोगे तुम, ये भी देखेंगे हम। तेरे सारे ज़ुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। मुझे पता चला कि मेरे आने से कुछ बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकलीफ और जरूरी है। मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा ना कि हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहनशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी तब नहीं जाकर कोई ताजमहल बनता है। ये जमहूरियत है, ये ऐसा निजाम है कि आप ये देखिए कि किसके इशारे पे कौन काम कर रहा है। कहा के इमरान भाई आपको
करवाना पड़ेगा। इलाहाबाद भाई है, ये मेरा साथी है, इसने बहुत मेहनत करी। उसके बाद मेरे को आना पड़ेगा, तो रात में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने की परमिशन नहीं होती। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप एक काम करना, मुझे गया एयरपोर्ट पे छोड़ देना, मैं वापसी कोशिश करूंगा कि बाय रोड चलाऊं, लेकिन बारा जाना जरूरी है, वहां के लोगों से गुफ्तगू करना जरूरी है। मैं सिर्फ इसलिए वक्त और पसीना और अपनी परेशानियों के बीच आपके साथ इसलिए खड़ा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आऊंगा, मैं समझाऊंगा, तो हो सकता है कि वो मेरी नई नस जो जज्बातों में है, जो जिसके जज्बे बड़े सच्चे हैं, जब मैं उससे गुफ्तगू करूंगा तो वो मुझे जरूर समझेगी। हालांकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। सुनो जुल्म की फौज के सरबराह, सुनो वक्त के हाकिमों बादशाहों, सुनो जुल्म की फौज के सरबराहों, सुनो कातिलों के सभी खैर खाहों, सुनो ऐ सियासत के मगरूर शाहों, सुनो के मत समझना डराने से डर जाएंगे। आपके वजूद का मिसरा है, अगले मिसरे पे कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, पहुंचाना तालियों का शोर पटना से लेकर के दिल्ली तक। के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। और अगले दिन दो मिसरे आ रहे हैं ना, वो अगर आपकी ईमान में हरारत पैदा करें तो इससे बड़ी तालियां बजाना। मैं पढ़ता हूं, के मत समझना। सुरेंद्र जी आ गए क्या? आइए स्वागत करिए उनका। जोड़ा डराने से डर जाएंगे, तैयार रहिएगा चौथे मिसरे के लिए। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। के जो तेरी नफरतों का ये मज़मून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। चाय आ गई है बीच में, चाय वालों का बड़ा सम्मान भाई है भाई, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा भरोसा नहीं। आपकी नफरतों का जो मज़मून है, उसमें स्याही नहीं खून ही खून है, पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, ऐसे कानून से हमको इनकार है, अब ये मुमकिन नहीं के मुकर जाए। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। और विश्वनाथ बाबू, जिन भाई साहब ने एप्लीकेशन लिया था उनसे कहना है तुम्हारी तैयारी बड़ी कमजोर थी,
इमरान प्रतापगढ़ी को रोकने के लिए तुमने जो एप्लीकेशन दिया उसका होमवर्क भी पूरा नहीं किया था। सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं हुआ था, योगी जी की पुलिस ने मुझे नोटिस दिया था, जानते हैं कितने का? 1,04,00,000 रुपए का जुर्माने का। कि आप लोगों की बारिशों से डराओ नहीं, खून की बारिशों से डराओ नहीं, तुम हमें साजिशों से डराओ नहीं, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, सीने हाजिर है गोली चलाओ मगर, तुम हमें नोटिसों से डराओ नहीं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बनके खुशबू फजाओं में बिखर जाएंगे, मौत के नाम ना खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बड़े बड़े सियासी लोग के हाल में समय डेरा डालकर बड़ी बड़ी तकरीरें करने पड़ता हूँ कि हमने जमजम दिया बे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने चौथा दूसरा है जो किसी एहतियात में किसी मुरव्वत में खड़ा है और अब तक जिसने हाथ नहीं खोले आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। जो चौथा मिसरा है वो मेरे जज्बे का मिसरा है, मेरे वजूद का मिसरा है। यहाँ से वहां तक मैंने कहा ना भीड़ इतनी ज्यादा है, मुझे बहुत सारे लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं, रोशनी कम है इस वजह से। हालांकि हम उत्तर प्रदेश से आए, हमें तो अंधेरे में रहने की आदत है, बिजली कब चली जाए कब आए कोई भरोसा रोसा नहीं रहता है। मैं बिहार में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं अंधेरे में रहने की आदत है, आप अंदाजा लगाइए। तब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी तालियों का शोर पटना भी जाए दिल्ली भी जाए पूरे बिहार की फसा बदले, क्योंकि बारह से जो आवाज उठती है वो बिहार का माहौल बदलती है, बिहार की दशा और दिशा तय करती है। आप लोग अलग लोग हैं, कभी अभी तुम्हें पढ़ रहा हूँ कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने रंग के ख्वाब देखे मगर। चार पांच फ्लैश लाइट क्यों? अगर फ्लैश लाइट है मोबाइल हाथ में है तो सारे ही लोग जला ले, तो फिर लगे मुझे दिखाई भी देने लगे कि आप कितनी बड़ी तादाद है, क्या इतने लोगों के पास मोबाइल है क्या? होगा तो सारे लोगों के पास बिना मोबाइल के बिहार के लोगों का काम कहां चलता है? आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाए, नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। जाते जाते आराम आलो, एक वादा करता हूँ आपसे, आंदोलन के दौरान नहीं आ सका, आज आया तो आज आपको, चूंकि वक्त की पाबंदियां हैं तो बहुत कुछ सुना नहीं पा रहा, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ कि सुरेंद्र भाई का चुनाव जीत आइए, बिहार में तेजस्वी यादव की कांग्रेस की और लेफ्ट के गठबंधन की सरकार बनाइए, एक वादे को निभाने के लिए करो, एक वादे को निभा
अपनी दस्तार बचाने के लिए अपनी दस्तार बचाने के लिए ओठ करो अपने कातिल को हराने के लिए अपने कातिल को हराने के लिए करो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वालों, फिर आपसे मुलाकात होगी।